ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपसे एसओसी 101 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं लेक्चर नंबर्स के साथ और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये कि विच क्राइम, कौन सा क्राइम यानी कि लो क्लास या फिर व्हाइट कॉलर कॉजेज मोर फाइनेंशियल डैमेज टू दी सोसाइटी, यानी कि इनमें से कौन सा क्राइम की वजह से ज़्यादा फाइनेंशियल डैमेज होता है सोसाइटी को। सो गिव लॉजिकल रीजंस फॉर योर आंसर, आपने लॉजिकल रीजंस देना होंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आए इस तरह के। सो ये लेसन नंबर 19 के अंदर है। उसके बाद है फिर कि इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर यहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप होती है, हाउ कैन वी मोटिवेट पीपल टू डू देयर जॉब एफिशिएंटली, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो अपनी जॉब को एफिशिएंटली तौर पे करें, ये लेसन नंबर 22 के अंदर है। उसके बाद है फिर के रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर एन इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग अ चाइल्ड्स बिहेवियर इन चाइल्डहुड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। रिवार्ड और पनिशमेंट एक इफेक्टिव तरीका होता है कंट्रोल करने का चाइल्ड के बिहेवियर को, बच्चे के बिहेवियर को चाइल्डहुड के अंदर। सो एक्सप्लेन करना है अपने एग्जाम्पल्स के साथ, ये लेसन नंबर 12 के अंदर है। और उसके बाद है फिर के डू यू एग्री डेट लैंग्वेज इज द की ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, गिव वन एग्जाम्पल ऑल्सो, क्या आप एग्री करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो की है कल्चरल ट्रांसमिशन की, एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, सॉरी एक एग्जाम्पल भी देनी है साथ में। पहले आपने बताना है कि क्या आप एग्री करते हैं और फिर एक एग्जाम्पल भी देनी है आपने। और सो ये लेसन नंबर 9 के अंदर है। उसके बाद ये कि कॉन्सेप्चुअल क्यू अबाउट क्रोमोजोन थ्योरी, लाइक एक्स वाई वाई क्रोमोजोन इन मेल्स लीड टू क्राइम, यानी कि जो एक्स वाई वाई क्रोमोजोन होते हैं मेल के अंदर उससे क्राइम होता है, बट नो वोमेन हैव एक्स वाई वाई क्रोमोजोन सो देयर शुड बी नो वोमेन क्रिमिनल्स बट वोमेन आर क्रिमिनल्स टू, एक्सप्लेन विद लॉजिक, अब इस चीज़ को लॉजिक के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। और ये है लेसन नंबर 18 के अंदर। उसके बाद है फिर के हाउ कल्चरल चेंज अकर्स, कैसे होता है कल्चरल चेंज, ये लेसन नंबर 11 के अंदर है। उसके बाद है फिर के व्हाट इज अचीव्ड स्टेटस, अचीव स्टेटस क्या है, लेसन नंबर 6 के अंदर है ये। उसके बाद है फिर के डिफरेंस बिटवीन एस्क्राइब्ड एंड अचीव स्टेटस, डिफरेंस बताना है, फर्क बताना है स्क्राइब और अचीव स्टेटस के दरमियान, लेसन नंबर 6 के अंदर है ये। उसके बाद है फिर के एथनोसेंट्रिज्म, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, लेसन नंबर 11 के अंदर है। और उसके बाद फिर स्ट्रेटिफिकेशन, लेसन नंबर 21 के अंदर है ये। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए और ये स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।